और दोनों मेहनत कर रहे हैं और ये कान में ब्लूटूथ लगा के मेहनत कर रहा है। तो बसंती अब काफी अच्छा लगा होगा बसंती को, हमें भी अच्छा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित विद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और गाइस, आजकल चली नवरात्रि और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। और गाइस, आज हम जा रहे हैं बेलपड़ाव। बेलपड़ाव में हमको थोड़ा सा काम है और वहाँ किसी से मिलना भी है। सो आपको दिखाएंगे भी आज हम किससे मिलने जा रहे हैं। और गाइस, हमने सोचा था कि हम अब डेली व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हम स्टार्ट करें या नहीं, और हो सकेगा तो आपको अब अपनी डेली लाइफ भी दिखाएंगे। और हम जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, अलग अलग जगह ट्रैवल करने जाएंगे, सो आपको दिखाते रहेंगे। और जो हम अक्सर आपको दिखाते हैं, कुछ जो नए लोग जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। सो गाइस, अब चलते हैं यहाँ से और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अभी हम पहुंचे धनपुर और हमें मिले अभी हर्षो भाई। हेलो गाइस। और ये भास्कर है, क्या हाल चाल है? और कहाँ जा रहा है? मैं आंगनबाड़ी का बांटने जा रहा था। क्या आंगनबाड़ी में ना, तो राशन बांटने जाना पड़ता सबको। ये चने के, एक चना दे देता मेरे को भी। अरे शादी करो फिर। शादी करो तभी मिलेगा राशन। चाय बड़ा पकाई जी है हमारी चाची। चाची एक बार हाई कर दो, एक पैकेट ले जाऊंगा। वगैरह पहले शादी करो तभी तो मिलेगा। अभी जिस जगह पे मैं रुका हूँ ये है रतनपुर, और यहाँ से नीचे को रोड जा रही है, ये जा रही है गौशाला की तरफ। और हमने गौशाला के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। और उस वीडियो की वजह से हमको काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और कहा हम गौशाला से जुड़ना चाहते हैं। लोग पहले भी जुड़े हुए थे बट इसकी वजह से थोड़े से और जुड़ गए हैं। और हम अभी वहीं जा रहे हैं और आप इस तरफ दोनों तरफ देख रहे होंगे काफ़ी पेड़ है, हरियाली बहुत है यहाँ पे, तो काफ़ी ठंडा है यहाँ मौसम। और ट्रैफिक इस रोड में काफ़ी कम रहता है, सो इसलिए हम यहाँ पर रुक के व्लॉग बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और चलते नीचे की तरफ। एक चीज़ और थी मैं आपको बताना भूल गया था, आपको हमने सिनेमेटिक्स दिखाए थे बसंती के, उसका एक कारण था, हमने बसंती में कुछ काम करवाया हुआ है तो थोड़ा कराया है और बाकी अभी कराना बाकी है। तो जो अभी कराया है आपको वो दिखाते हैं सबसे पहले। और एक हमने इसमें बैटरी डलवाई थी बसंती में, तो उसकी बैटरी का थोड़ा सा इशू आ गया था तो हमने इसमें नई बैटरी डलवाई है। अब उसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी में लाइट एट का इशू ख़त्म हो गया ना बिल्कुल। और गाइज़, हमने एक यहाँ पर सेल्फ डलवाया नया इस तरफ, ये ओरिजिनल सेल्फ है इसका, तो उस वजह से अब ये सही काम करती है। एक बार को दिखाते हैं, तो अब सेल्फ का इशू ख़त्म हो गया बिल्कुल, अब किक की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो अब अच्छी चल रही गाड़ी, बहुत अच्छी। और धीरे धीरे हमने इसमें काम भी करवाना है, धीरे धीरे कराते रहेंगे, अभी इस समय बजट नहीं हमारे पास। और जो हमने यहाँ पर गाड़ी का काम करवाया था, ये हमने काला ढूंगी हरजीत भाई से करवाया था, तो मेरे फ्रेंड है हरजीत भाई। तो बैटरी हमको कितने की पड़ी थी? अराउंड 950 की। 950 की पड़ी हमको, और वैसे उसकी कीमत ज़्यादा है, उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया 1100 समथिंग का उसका है। और अगर गाइस आप लोग भी डलवाना चाहते हैं तो एक बार हरजीत भाई से के पास जा सकते हैं, उनकी काले ढूंगी में शॉप है, तो काफ़ी अच्छे रेट दिए थे उन्होंने हमें। बाकी काम भी कराएंगे धीरे धीरे। तो बसंती अब काफ़ी अच्छा लगा होगा बसंती को, हमें भी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं आगे, और अभी गौशाला पहुँच गए, अब अंदर चलते हैं, आपको कुछ दिखाते भी है। और यहाँ पर काम भी चल रहा है, शायद कुछ लोगों ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है, और हेल्प तो करते थे पहले भी लोग। और वहाँ पे बोला गया था कि एक खड़ंजा बनाएंगे आगे को, तो उसका काम चल रहा है। एक बार चलते हैं और देखते हैं, अंदर चलते हैं। और ये बन रहा है इसका खड़ंजा, फिर मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। इस तरफ उस तरफ वाला पहले बन चुका था और ये वाला बन रहा है। भाई कितने दिन में हो जाएगा काम पूरे? हाँ, तीन दिन में हो जाएगा, तीन से चार दिन में। तो तीन से चार दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी जो पशु यहाँ पे जो गाय रहती है उनके लिए आसानी हो जाएगी, तो पूरे एरिया में वो आराम से बैठ सकते हैं और कीचड़ की कोई समस्या नहीं होगी। और सारे जानवर इस समय सब चरने गए हैं और यहाँ पे कोई है भी नहीं। और ये है, और इस तरफ मैं हूँ, बाकी भैया लोग काम कर रहे हैं, और एक वो अकेली बैठी है वहाँ पे उस तरफ। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जंगल नहीं गया और जा पाई होगी। बाकी सब लोग गए हैं गाय को चराने गए हैं, और महाराज जी भी नहीं है इस समय यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ।
और अभी हम घर के पास हैं और जस्ट पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ है इस तरफ गगन और इस तरफ है मनोज। हाय बोल दो भाई दोनों। हाय हाय। और क्या चल रहे हैं नेताजी? बढ़िया चल रहे हैं। और इसने नई बाइक ली, कौन सी बाइक ली है? R15 लिया इसने। और एस। और पार्टी नहीं कराई इसकी? पार्टी हो जाएगी। और तेरी बाइक कैसी चल रही है? मेरी ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। और गाइस ये हम एक ही गांव में रहते हैं हम सब और रोज़ मिलते जुलते रहते हैं। मैंने आज तक इनको वीडियो में नहीं लिया, मैंने सोचा आज ये यहाँ पर दिखे मुझे तो एक सोचा एक बार इनको वीडियो में ले लेता हूँ। और काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत बहुत करते हैं। और इसे एक बाइक की भी ज़रूरत है। कौन सी बाइक लेनी है? चेंज करना बाइक को? हाँ। और ये बाइक चेंज करना चाहता है, अगर किसी के पास बाइक हो, कोई स्पोर्ट्स बाइक मतलब यूज बाइक अगर कोई बेचना चाहता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे बाइक की ज़रूरत है। R15 बेच रहा है? हाँ, R15 बेच रहा है। अगर ड्यूक हो किसी के पास तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, इसे ज़रूरत है। भाई तुझे तो नहीं बदलनी? नहीं नहीं, इसको इसकी ठीक है, इसे बदलनी है तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास है तो। और आज सुबह से मंदिर नहीं गए हम लोग, हर नवरात्रि के दिन मंदिर जाते हैं, आज नहीं जा पाए इसलिए अब चलते हैं और आपको वहीं चल के कुछ दिखाते हैं। और आज ये नेक्स्ट डे, आज हम जा रहे ऊपर मंदिर में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भागवत कथा स्टार्ट हो रही थी और आज उसका समापन है, तो आज वहाँ भंडारा भी है और अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो अब चलते हैं सीधे उधर। गाइस हमने डिसाइड किया था जब हमारे 2K सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे तो हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। हम लोग वीडियोस के स्टार्टिंग उन लोगों को दिखाएंगे जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो हमारी वीडियोस देखते हैं। सो आप लोग ये काम कर सकते हैं, आप लोग अपना नाम और आप रिकॉर्ड करिए कि आपको हमारी वीडियोस देखना क्यों पसंद है, उसे भेजिए और मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं और हम उस वीडियो को व्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाएंगे। ये बाल्टी और ये दोनों टमाटर ताई जी ने दिए ऊपर देने मंदिर में, आज वहाँ भंडारा है तो उसी के काम आएगा। और ये लेटर भी देना है रास्ते में, हमारे गांव में रहते हैं इस तरफ लास्ट एंड पे, तो उनको लेटर भी देना है। पूरा लेटर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उनको समझ में नहीं आया था, हमारे घर लेके आए थे वो, उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। जहाँ हमारा देश हमारी मातृभाषा हिंदी है वहाँ सारे लेटर्स इंग्लिश में आते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अगर ये हिंदी में भी टाइप होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। धीरे देख बार मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं, जस्ट थोड़ी सी दूर है और पीछे आवाज़ आ रही है लाउड स्पीकर की, सो शायद मे बी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊँगा। अब चले मंदिर की तरफ। दीपर ज्योति ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला दीप ज्योति नमोस्तुते मायुश्च प्राणश्च मोहा। और मोहित और चंदन इधर देख भाई, ये ब्लॉग में आने चलो उंडे, और दोनों मेहनत कर रहे हैं और ये कान में ब्लूटूथ लगा के मेहनत कर रहा है। कैसा लग रहा है तुम दोनों को आज? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, दोनों के दर्शन बहुत दिनों के बाद हुए हैं और चंदन भी बहुत दिनों बाद आया, ये पहली बार कर रहा है। लेकिन इस समय मैं मंदिर के पास में हूँ और मेरे साथ इस तरफ आयुष, सालू, भावेश और इस तरफ है वानी। वानी को आप पहचानते होंगे और इसे भी पहचानते होंगे, लास्ट ब्लॉग में आया था। ये दो नए हैं, तो कैसा लग रहा, कुछ बोल। क्या बोलूँ मैं, आज भंडारा है, बुला ले सबको। हाँ आ जाओ भंडारा खाने, आ जाओ गाइस भंडारा खाने आ जाओ। पहले बता दो आज भी है एंडिंग है आज भागवत की, जिसको आना है आ जाओ गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखा, और आज बानी बहुत अच्छी लग रही है। बानी तूने लंबा वाला कहाँ से लगाया? ये मैंने मेरी मम्मी लाई है, ये जो सर पे लगाया कह रहा हूँ, ये तो क्लिप्स मेरी मम्मी। अरे क्लिप्स नहीं, ये कह रहा हूँ ये टीका लगाया जो सर पे, ये भी तेरी मम्मी लाई है। ये टीका पंडित जी ने लगाया। हाँ ये इसकी बात कर रहे थे। और तुमने लगाया? तुम्हें क्यों लगाया टीका? टीका हेलो गाइस वेलकम, मैं वीडियो चैनल लगा रहा हूँ, कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक। अगर आप कोई चैनल, ये तो तूने कह दिया पहले, ये तो कह चुकी थी पहले।
बोलते हैं। हेलो गाइस, भंडारा खाने आ जाओ, भंडारा खाने आ जाओ। चलो नीचे चले, चल नीचे चले। अरे यार ये भैंस की पूंछ कहाँ है? भैंस की पूंछ भैंस तो है नहीं, यहाँ पूंछ कहाँ जाएगी। और इस समय दिन के 12 बजे हुए, मैं यही मंदिर में हूँ और आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा। और इस समय पे लाउडस्पीकर बंद हो चुका है, सो अब इसके बाद यहाँ यज्ञ होगा ना, पूजा हो गई है, अब इसके बाद यज्ञ होगा, फिर उसके बाद आगे भंडारा होगा। और भंडारे में ये खाएगा सबसे पहले ना, गाइस खाएंगे और गाइस खाएंगे यानी मैं, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग खाएंगे यहाँ पे। और इसने आपको सभी को इनविटेशन भी दिया है, तो जरूर आएगा, प्लीज गाइस आइएगा। और वैसे ही इसके इनविटेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि भंडारा तो आज खत्म हो जाएगा। हेलो गाइस, आप लोगों को मैं बहुत सुंदर दिख रही होंगी क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे को बहुत सुंदर बनाया है और भंडारे में आ जाओ, इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूं। हेमंत भाई मेरे वो रसीद तो वापस कर दो, वो जो पर्ची कटवाई थी मैंने तुमसे, वो पर्ची थी तुम्हारे पास, बताओ कितनी कटवाई थी मैंने। और देखो ना, तुमको दिए थे मैंने पैसे, तुमने रसीद, तुमने कहा बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, है मेरे नाम की। मेरा पैसा गबन तो नहीं कर दिया? अरे गाइस, ये हेमंत भाई हमारे साथ टीट वाले मंदिर में आए थे और सब लोग पहचानते हैं इनको, बट आज ये गबन कर रहे हैं कुछ पैसे का। मेरे वो पैसे का है, अगर मैं बैंक में रखता हूँ भाई वो ब्याज लगता है उनका। कुछ कहना चाहते हो कोटा बाग वालों को? तुम भी रसीद कोटा बाग वालों की और तुम भी। आप पीयूष बहुत तेज से काम करा गया भाई, एक हफ्ता हो गया ये वाली मोटी तो खाली था। क्या कह रहा था? मैंने कहा प्रैक्टिस चल रही है रोज से, तभी तो आदत पड़ेगी। अरे नेगी जी कब आए? और गाइस इस समय म्यूजिक बंद है और पीछे कुछ पूरियां बननी और उसके पीछे जलेबियां भी निकल रही है यहाँ पे, सो अब खाने की तैयारी हो रही है, मतलब खाना बनता रहेगा साथ साथ। और उस तरफ है यहाँ पे हवन की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी देर में हवन भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर होगा अगर पॉसिबल तो आपको हवन भी दिखाऊंगा यहाँ से। कितनी चाय पिएगा यार तू? शैलेश कह रहा है, उसके बाद कह रहा है तेरा नाम क्या कह रहा है? चुस्की ले, ऐसे कर जैसे मैं बोलता हूँ, चाय पी पी, ऐसे कर। अब हम दिखाएंगे यहाँ के व्यू, ये देखो ये आपका व्लॉगर डांस करके दिखा दे। और गाइज इस समय म्यूजिक बंद है, यहाँ पे काफी लोग हैं, इस समय छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ ताऊजी भी बैठे हुए हैं और इस तरफ चाचा बैठे हुए हैं, उस तरफ हेमू भाई है, और ये एक बार हाई कर दो। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं इस तरफ और ये गेम खेल रहे हैं, और यहाँ पे और ये सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं, और इस तरफ भी बैठे हुए बहुत सारे। इस समय म्यूजिक रुका हुआ है और अभी तैयारी होने वाली है यज्ञ की, सब लोग बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं उसी चीज़ का। और आज काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो सभी लोगों की तरफ कर देता हूँ एक बार, मैं सब लोग एक बार हाई कर देना, हाई कर दो भाई। और कुछ इस तरफ भी बैठे हुए और यहाँ पे भी बैठे हुए, हाई कर दो भाई सब लोग, कुछ इस तरफ भी बैठे हुए। बस अभी तैयारी स्टार्ट होने वाली, कितनी देर में हो रहा है स्टार्ट? और एक ये जो भी है इसका नाम क्या है? इसके बाल गायब कर दिए। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ वहाँ से। तो आप क्या बने हुए हो? राधा? अच्छा राधा बने, और बाकी लोग भी कुछ बने हैं? शेर वाली माता बनी है। तभी क्या खेल रहे हो? गजरा नहीं लाई तू?
और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे यज्ञ स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे यजमान बैठे हुए यहाँ पे और अपने देवन भाई भी बैठे हुए इस तरफ और इस तरफ चाचा भी बैठे हुए और इस तरफ पंकज भाई बैठे हुए, इस तरफ चाचा लोग बैठे हुए। अभी कितने देर में स्टार्ट होने वाला है? 5 मिनट है ना, अभी स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं इस बार। कितने जने बैठे हैं यहाँ पे इस बार? 7-8 लोग बैठे हैं। 7-8 लोग बैठे ना। पुण्येकाक्षन विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमो नमः। और गाइज यज्ञ पूरा हो गया है, इसके बाद अब खाना भी हो गया है, हम लोगों ने खा लिया, बाकी लोग पीछे खा रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये पूरा सब समापन हो जाएगा, फिर सब लोग अपने अपने घर को निकल जाएंगे। और मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ, पीछे इस तरफ लेडीज़ बैठी हैं और जो पुरुष हैं वो भी इस तरफ ही बैठे हुए हैं। और अभी मैंने एक गाना रुकवाया क्योंकि वही कॉपीराइट का इशू रहता है, तो एक बार चलते हैं नज़दीक में, अगर होगा पॉसिबल तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर घर चलेंगे। और गाइज अभी भी कुछ लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और मैंने ज़्यादा नज़दीक जाके इसलिए भी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, और इसलिए मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। और जो मैंने एक बार आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, जब कलश में जो जल भरा जाता है, आज उसका विसर्जन भी कर दिया जाता है, तो आज उसका पूरा समापन हो जाएगा यहाँ भागवत कथा का। और इस समय मेरे साथ है मेरे चाचा शंकर खनाज जी, और ये बानी के पापा ही हैं, तो एक बार कर दो। और गाइज ये काफ़ी सोशल वर्क करते रहते हैं, सो मैंने सोचा एक बार आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और ये भी मंदिर में आए थे, तो कैसा लग रहा है आपको मंदिर? अच्छा लग रहा है। आज जो है ये जो फीसर हमारी ग्राम सभा में जो है ये पहली बार भंडारा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि इससे जो है एक बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और ये है हमारे कल के आने वाले बच्चों को पता होना चाहिए, इसीलिए जो है ये विजयदशमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। और गाइज ये वही वाले कलश हैं, स्टार्टिंग में जब कलश यात्रा स्टार्ट होती इनमें जल भरा गया था, अब इसके बाद आधा पानी जो है पीपल के पेड़ के यहाँ पे इसका विसर्जन कर दिया जाएगा, और आधा पानी घर ले जाते हैं, उसे अपने घर में छिड़कते हैं और उसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। और जो यहाँ पे नारियल है इनकी स्थापना कर दी जाती है। तो अब आज इसका समापन है, और इस तरफ सामने व्यास जी बैठे हुए हैं, आज समापन है। और सोचा एक बार इनका आशीर्वाद लेते हैं और एक बार उनके पास ले जाऊँगा, तो वो कुछ अपनी तरफ से आपको बताना चाहेंगे। तो रामनगर वाली रोड के पास मदनगंज नाम का गांव है, वहां पर स्थित है। और इस वन की जो महिमा है वो बड़ी शांतिदायक है। यह वन अनेक प्रकार की सुविधाओं से युक्त है, तथा झरने विशेष करके जंगली जानवरों का दर्शन भी यहां पर होता है। विशेष भय भी यहां पर बना रहता है, अनेक प्रकार के शेर, हाथी, भालू, सांप, अजगर। और यह वहाँ इतनी वरदानी है कि यहाँ पर दूर दूर से लेकर के भक्त लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ से माँ से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को सिद्ध करती है। और यह वहाँ विशेष करके माताओं पर, बहनों पर, छोटे छोटे बच्चों पर विशेष कृपा करती है। और जो भी माँ के दर्शन एक बार करने के लिए आता है वहाँ उसको अवश्य ही अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। जय माता। गाइस हमें यहाँ मंदिर में हमें एक हमारा सब्सक्राइबर मिला था, इसका नाम है सचिन। गाइस जितने भी लोग इनकी वीडियो देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं इनसे कहूँगा कि ये रोज नए नए वीडियो डालते रहें। और गाइस मैं मजाक कर रहा था, ये अपना भतीजा है, इसका नाम सचिन है, और वैसे ये सब्सक्राइबर भी है, बट वो जो कहा था वो मजाक था। अभी घर जा रहा है, बाय बोल दे सबको, बाय। अब भंडारा खत्म होने वाला है और हमें यहाँ पे थोड़ा काम भी करना है, सो इस ब्लॉग को अब यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में।